दुर्गेश दुर्गेश बस सर अरे एक मिनट आराम से पहले तो हमें जाने दीजिए बप्पी के पास। कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलूँ, उसने छोटा बच्चा बप्पी को हमने देखा है तबला बजाते हुए कलकत्ते में, उनके डैडी जो अपरेश दादा और मम्मी थी बांसुरी दीदी उनके साथ बचपन में छोटा जब था वो हम नीचे डायस से प्रोग्राम देखते थे, तबला बजाता था बप्पी छोटा बप्पी। और उसके बाद 19 साल की उम्र में मुंबई आया, अपने दम पे उसने अपना जो कामयाबी उसने छीन ली मुंबई में और अपनी एक जगह बनाया एज ए डिस्को डांसर। डिस्को म्यूज़िक में वो एक अलग मुकाम बनाया। और बप्पी लाही इतना कम उम्र में एक के बाद एक हिट फिल्म दिया इंडस्ट्री में एंड म्यूज़िक का एक अलग एक पहचान बनाया। वो जो डिस्को और ये जो पॉप सॉन्ग और ये रॉक ये जो एक ट्रेंड लेकर आया उस टाइम में दुनिया भर में उसने धमाल मचा दिया। तो हम बहुत गर्व अनुभव करते थे कि इतना छोटा बच्चा इतना म्यूज़िक में इतनी मतलब कामयाबी दिखाया, अपनी जगह बना लिया। और बहुत हमें उससे उम्मीद थी, लेकिन कुछ दिनों से हम सुन रहे थे कि बप्पी इज़ नॉट वेल, चल नहीं पा रहा था। और मैं हमेशा हम खबर ले रहे थे, हम हमारे दुर्गा पूजा में चित्रानी उनकी वाइफ आई थी, हमने माता जी के चरण से मैंने चित्रानी का हाथ में दिया, ये माता जी का पैर का फूल है वो जाके बप्पी के सर पे लो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। और पता नहीं इस साल क्या हो रहा है, एक के बाद एक डेथ न्यूज भी हमें मिल रहा है। लता जी का हुआ सरस्वती पूजा के दिन, जब बसंत पंचमी का दिन और विसर्जन का दिन लता जी चली गई हॉस्पिटल में। कल रात को हमारा बंगाल का बहुत बड़ी सिंगर संध्या मुखर्जी, कल उनका हॉस्पिटल में देहांत हो गया। और आज सुबह हमें न्यूज़ मिला कि बप्पी नहीं है। हमें बहुत उम्मीद थी कि बप्पी एटलीस्ट चला नहीं जाएगा, रहेगा, भुगत सकता है, ट्रीटमेंट होगा, चलेगा। कुछ दिन पहले भी उनकी साली जो है चंद्रानी मुखर्जी सिंगर, उनको फ़ोन किया था मेरी वाइफ ने, बोला ना ठीक है, ये इतना शॉकिंग है एकदम से चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इनके फैमिली के साथ हमारा एक पारिवारिक संपर्क चलता है। तो बस तो जहाँ भी गया शांति मिले। मैं अभी पॉलीवुड चला पाटी मागे, चल ये सगळे मागे, चला चल प्लीज।